आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे नौकरी में अच्छे सैलरी का लालच दे करके आपको बेवकूफ बनाया जाता है। कुछ ऐसा स्कैम है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो घटना होती है वो ज़्यादातर उन लोगों के साथ होती है जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं और अभी अभी वो फाइनल ईयर कंप्लीट किए रहते हैं और पढ़ के निकले रहते हैं, कॉलेज से पढ़ के निकले रहते हैं, नौकरी की तलाश में रहते हैं। उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है। होता क्या है, बच्चे पढ़ के जब निकलते हैं तो वो अलग अलग वेबसाइट पे अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं, वहीं से वो डाटा खरीद लिया जाता है उन कंपनियों के द्वारा। और एक स्कैम होता है, उसमें उन बच्चों को उनके साथ काम करने वाले उनके दोस्त ही फंसाते हैं, क्योंकि वो फंस गए होते हैं और वो अपने को अपने फंसे हुए पैसे निकालने के लिए ऐसा करते हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ रहता है और इसके खिलाफ कोई बोलता भी नहीं है और कई लोग इसको जानते नहीं है, कई लोगों के साथ धोखा हो जाता है। तो मेरा मेन मकसद यही है कि लोगों को अवेयर करना। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इसमें मैं आपको वन टू पॉइंट बातों को बताने वाला हूँ क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं विनय राज त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जी हाँ, बात करते हैं कैसे नौकरी के नाम पे आपके साथ धोखा होता है। पहले जो बच्चे पढ़ के निकले रहते हैं, रिज्यूमे डाले रहते हैं अलग अलग वेबसाइटों पे, उनको फ़ोन आते हैं, फ़ोन कॉल आता है और उनको बताया जाता है कि फला जगह इंटरव्यू है, एक कंपनी है कुछ प्रोडक्ट बनाती है, कोई नामी गिरामी कंपनी का वो नाम लेते हैं। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए उनको बोला जाता है कि आप अपना रिज्यूमे हमें भेज दीजिए और फिर हम आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू कर लेंगे, टेलीफोनिक इंटरव्यू कर लेंगे और वहाँ से आपको हम कन्फर्म कर देंगे कि आपकी नौकरी लग गई है कि नहीं, फिर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। इतना होता है। तो जनरली कई सारी जगहों पे भी ऐसा होता है, कंपनियां हायर करने के लिए फ़ोन करती हैं कि आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हुआ है। लेकिन इसमें गेम क्या होता है, कैसे आप असली और नकली में फर्क समझेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें क्या होता है, आपसे पैसे की डिमांड की जाती है। पहले आपको ये बताया जाता है कि आपको नौकरी दी जाएगी और सैलरी बताई जाएगी, 15,000 से 30,000 तक की सैलरी बताई जाएगी कि 30,000 मिलेगा, 35,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, 18,000 मिलेगा, इस तरह का अमाउंट बताया जाएगा कि आपको महीने हर महीने इतनी सैलरी दी जाएगी। लेकिन पहले 3 महीने की या 4 महीने की ट्रेनिंग होगी और उस ट्रेनिंग में आपको सैलरी का कुछ परसेंट मिलेगा या हो सकता है रहने खाने का खर्चा ही मिले और पैसा नहीं मिलेगा। और ट्रेनिंग के बाद आपको 30,000 की सैलरी या 15,000 की सैलरी या 18,000 की सैलरी मिलने लगेगी, कुछ ऐसा ही होता है। फिर आपसे बोला जाएगा कि आपको जितनी सैलरी रहती है, मान लो 30,000 सैलरी है, तो बोला जाएगा कि 15,000 का सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा, वो आपके रहने खाने का खर्च होगा और उसके बाद आपको जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो सैलरी मिलने लगेगी। जब यही इसको पकड़ने का तरीका है, जब भी कोई कंपनी आपसे पैसे का डिमांड कर रही है कि ये एज अ सिक्योरिटी मनी आपका आपको लाना है और जमा करना है आपके सिलेक्शन के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, तो वो स्कैम है, वो आपके साथ फ्रॉड है, वो आपको धोखा दे रहा है। तो वैसे चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। ये सच है, कई कंपनियां सिक्योरिटी मनी जमा करती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, वो जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी जो सैलरी मिलती है उसमें से कुछ अमाउंट हर महीने काट के वो एज अ सिक्योरिटी जमा करती हैं, कुछ कंपनियां करती हैं। लेकिन ज्यादातर कंपनियां कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करती। तो जब इस तरह की आपको फोन कॉल आए, जब भी देखिए हमारे कई सारे साथियों को के साथ ऐसा धोखा हो गया है, इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। ये आने वाले हर साल जो क्लास से अपना कोर्स कंप्लीट करके बच्चे पास आउट होते हैं उनके साथ ज्यादातर ये धोखा होता है। तो मेरा मकसद यही है कि उन सारे लोगों को इस धोखे से अवेयर कर देना। जब भी आपको इंटरव्यू के लिए फोन आता है उसको कन्फर्म करिए और उनसे क्लियरली पूछिए कि आप
किसी भी पैसे का डिमांड तो नहीं कर रहे हैं, कुछ अमाउंट तो नहीं जमा करना है। आपको मेल भी आते हैं, नामी गिरामी कंपनियों का नाम रहता है, लोगो रहता है, उनके अधिकारियों का साइन तक रहता है उस पर, उसमें भी सिक्योरिटी मनी जमा करने का वो रहता है कि आप आइए, आपको इतना सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी बताते हैं वो सब। जहाँ पे भी आप समझ जाइए ना कि आपको नौकरी के नाम पे पैसा मांगा जा रहा है ना, वो आपके साथ धोखा है। तो इस चीज़ से आप बच के रहिएगा। मेरे ये बात आपको बताने का यही मकसद था कि आपके साथ धोखा ना हो पाए। आप अवेयर रहिए और ऐसे लोगों के साथ सावधान रहिए। ऐसी जगह से आपको फ़ोन आता है तो आप बिल्कुल मना कर दीजिए। और हाँ, आप ये कह सकते हैं कि नौकरी, कोई कंपनी अगर नौकरी पे रखती है तो वो पैसे देती है, ना कि वो पैसे लेती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको किसी भी इस तरह के स्कैम में नहीं फंसना है। मेरे वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आपके साथ होने वाले इस धोखे को रोका जा सके, आपके साथ कोई चीटिंग ना कर सके, कोई धोखा ना कर सके। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आप उन सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो लोग पढ़ रहे हैं और अभी जल्द ही किसी नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले हैं। आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये शेयर कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही रोचक जानकारियाँ और वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।